लड़के फिल्मी मौजूद तो हर वक्त चलते ही रहते हैं और हर महफिल में कुछ ना कुछ कोशिश होती है कि रेपिटेशन ना हो, नहीं से नहीं हमारा काफिला आगे चले। और अलहमदिल्ला चलता है, जिन लोगों को बड़ा कमी होती है कि एक महफिल में आएंगे तो दूसरे में भी आ जाएंगे खैर कोई, तो उनको पता ना चले खैर नहीं है क्योंकि काफिला फारसी जबान में बड़ा मशहूर शेर है कि मानदम के खार अज फाकशम शुद्ध कारवानम अज कि मैं रुक गया थोड़ी देर में पाँव से कांटा निकालू तो काफिला नजरों से गायब हो गया। यक लहजा गाफिल गशनम हो सत साल राह हम तो एक लम्हे के लिए मैं गाफिल हुआ तो 100 साल भी चले। तो जिन लोगों को आदत है चलो ठीक है फिर आ रहे हैं क्या अच्छा, निहायत कीमती बातें मेहनत के साथ हासिल की गई। मैं खुद भी अब जब पिछली चीजों को रिवाइज करता हूँ यकीन माने आप तो खुद मुझे भी आदत होती है कि हम कितनी मेहनत करते चले आए गुज़श्ता इतने अरसे से। मैं और रियाज यहाँ नमाज पढ़ने में छोटे भाई को नमाज पढ़ाने के लिए आया करता किसकी आदत पुख्ता हो जाए, शुरू से नमाजी है लेकिन नमाजे मगरिब यहाँ इकट्ठे पढ़ा करते दोनों। फिर एक तीसरा बंदा शामिल हुआ तो वाज कर गया कमोडोर है हमारे अजीज हैं तो फैल नाम के वो शामिल हुए और फिर क्या था कि लोग आप मिलते गए और कारवां करना ठीक है आप शायद सब कहते हैं पूरा शेर पढ़ो नहीं तो चलो जी पढ़ी शब्द मैं तो तना ही चला था जान के फंस से मगर लोग आप मिलते गए और कारवां करना ठीक है। तो यहाँ हर महफिल में एक नई बात हर लहजा नया तो नई बरकत जगह अल्लाह करे मरहला शौक ना होता है क्योंकि इस समुद्रों में बहुत कुछ करना है ना एक ही बात पर तू ही नादान चंद कलियों पर कनाड़त कर गया वरना दुश्मन में इलाज तंगी ये दामा भी है जो इसके साउंड है ना इससे मैं इसमें सख्ती है आज का थोड़ी सी ये वाला बंद कर दे या जो भी कुछ करें ताकि इसमें जो मुझे सख्ती का एहसास हो चलो उधर उसको उसके भाई से की इजाजत से ये तसर्रुफ ये जो रूह है माइक जो है ना वो उसके भाई के हाथ में है ना तो अब चूंकि वो इतनी मौजूदा पर चलते रहते हैं और नहीं से नहीं बातें आती रहती हैं अल्लाह करे गाती रहेंगी इन शाला आपको कम से कम इस लिहाज से कमी कोई नहीं ठीक है। तो अभी तीन वाली महफिल मिलाद पाक के हवाले से एक तो वसीम खान शाबाश इसको दीजिए कि ये कार्ड प्रिंट करके बेटा ले आ क्या बात है सारे डाल दिए पापा ने हाँ सर डाल चाहिए सात सर काम करो बिल्कुल सही। तो ये जरूर करना है कि ये ना हो जरूर क्या करना है कार्ड ले जाना है उसकी हिफाजत करनी है ये हो गया जरूर और ना हो कि ये सुखी में ना रह जाए ठीक है एक हो और एक ना हो एक जवाब में कुछ 7,000 कंप्यूटर छाते दोस्त लेकर ये नाम नहीं बताता जी ये मेरे दोस्तों की क्वालिफिकेशन है इसी में सारी क्वालिफिकेशन जाहिर नहीं होती तो एक साथी 500 किताबें छोटी छोटी लेकर के गई और घर से फोन आया हजूर वो सुखित लेनिया सी और क्या कर ठीक है। तो मैंने इनसे कहा कि ज़्यादा कार्ड्स चूँकि बेटा अक्सर उससे पेमेंट नहीं लेता तबर्रुकन पेश करता है ये मिलाद पाक के कार्ड्स तो मैंने इनसे कहा कि एक रीजनेबल तादाद में ज़्यादा ना माकूल तादाद में चूँकि ये असल में ये इश्तिहार नहीं है दीवारों पर भी नहीं लगाना है याद रखें ये आपके इल्मी रिकॉर्ड के लिए
इसको माफ, वो हिस्ट्री है ना, जी हिस्ट्री है। और बस दोस्त ऐसे बल्कि लगे हुए साथ साथ हिस्ट्री लिख रहे हैं, दिस हिस्ट्री। तो इसको अपने इल्मी रिकॉर्ड के लिए अपने इसको महफूज रखना, ठीक है। तो नसीब से आप जिस जिस दोस्त को जितने कार्ड की जरूरत हो, और मेरा ख्याल अगर एक दोस्त को एक कार्ड मिल जाए, पांच सात मिल जाए तो अच्छा है। ख़ासतौर पर इल्मी तबके को ज़्यादा आप रखते हैं, क्योंकि असातिज़ा हैं, स्कॉलर्स हैं, मसलन हमारे याशी भाई हैं, सैयद साहब हैं, लेकिन दोस्त दूर दूर से तशरीफ लाते हैं। कल उनके यहाँ परसों बड़ी खूबसूरत महफिल उन्होंने की, तो जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के अक्सर असातिज़ा की नुमाइंदगी, फिर बड़ा मज़ा आया उस महफिल में। मुझे तो इसलिए आया कि मैं दोस्तों से मिला हूँ, बाकी जो कुछ मैंने कहा पता नहीं भूल हुआ होगा कि नहीं, लेकिन बात यह है कि दोस्त बहुत अच्छे थे और प्यारे प्यारे दोस्त मिले, तो ये बड़ा कीमती सरमा है, पसंद काम करने वाले, ठीक है ना। वसीम से रिकॉर्ड ले जाइएगा, और वसीम ने हसबी रिवायत बहुत खूबसूरत कार्ड छापा है, और शाबाश का मुस्तक है, अनिल भाई से इसको मंजूर भी कराना ना, चलिए अगर देखा ही बहुत खूबसूरत कार्ड है, तो ये आपके रिकॉर्ड में आए। उसके बाद इस महफिल मुबारक के लिए जो मशावरती मीटिंग करनी है, जो मैं अली भाई रियाज भाई असद भाई इस वक्त में आज उनकी सखर में कोई मसरूफियत थी, सखर से फिर कराची गए नजरिया जहाज, फिर वहाँ से कराची से अभी वो इस फ्लाइट में, थोड़ी देर के बाद फ्लाइट वहाँ से टेक ऑफ करेगी, तो रात के 1 बजे यहाँ पहुँचेंगे। तो और कितनी मसरूफियात हैं, एक जिम्मेदार सीट पर बैठे हुए हैं, जाहिर आना जाना उनका सवाल, तो उन्होंने तमाम दोस्तों की खिदमत में सलाम भी पेश किया, दुआ की दरख्वास्त भी की। तो अल्लाह ताला की हाजिरी को मैं नहायत मुखलिस तरीन अज़ीज़ इरादे पाक के खिदमत के लिए 1,00,000 रुपया पेश किया। यहाँ वो मसला कोई नहीं है कि कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर दोस्त एक से एक अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहा है, ठीक है। तो मैं उनके वाले से बताना फख्र महसूस करता हूँ, कोई रियाकारी नहीं है इसमें, रियाकारी कब होने हो गए, ये तो तादी से रहना है। तो इस तरह तब लेकर ही याद रखें कि एक तरफ एक दोस्त 1,00,000 रुपया पेश करें, और दूसरी तरफ दूसरे दोस्त तशरीफ फरमा हो और वो 100 रुपया ये ले लेना, और फिर ऐसा से कहें आकर गोश सरगोशी करें, सर जी इसमें आसम क्या हुआ, लेकिन मिल सकता हूँ मैं क्या करूँ, ठीक है। तो ये कंपैरिजन खुद करना चाहिए कि आपने हुजूर के मिशन के लिए क्या किया, क्या तुम दोस्तों के साथ साथ चल रहे हो। अगर आप माली खिदमत कर सकते हैं बिस्मिल्लाह, नहीं कर सकते तो बदनी खिदमत तो करें, दरबार शरीफ को सजाएं, लंगर शरीफ पेश करें, और बर्तनों की मैनेजमेंट में, हर तरह की लाइट्स की मैनेजमेंट में, और दीगर जो मैनेजमेंटल डेकोरेशन में, कालीन सजाने, नशिस्तगाह अच्छी बनाने, और दोस्तों को इनवाइट करना, अच्छी शख्सियात मसलन आप रिकमेंड करेंगे कि फलां शख्सियत बहुत अच्छी है, मसलन अभी इनकी महफिल में उस दिन कल परसों एक बच्चे ने नात पढ़ी, मैं लव कुशा नहीं हूँ, आगे क्या और मैं भी इल्तिजा मैं महफिल हरम के आदाब जानता हूँ। अब मुझे ये याद नहीं कि आज से 10 साल पहले हमारे ही एक महफिल में वहाँ मुबारक मस्जिद में एक बच्चे ने नात पढ़ी थी, समा बात कर रहे, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शायद वही बच्चा था या कोई और था, लेकिन इसने इस कदर खूबसूरत नात पढ़ी, मेरी ख्वाहिश है कि बच्चा नात पढ़े, और किधर है शाहिद जी,
कुछ बीजी पटियाला गुलाम अहमद हमारे टीचर हैं उनके बेटे हैं गुलाम अहमद हमारे एक टीचर हैं उनके बेटे हैं क्या हूँ जना बोल रहा है शक्कर नाम है उस बेटे को लाए ठीक है ना और उस दिन लोग सही साहबान थे ये उनको 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 कहना चाहिए था अच्छे उन्होंने बहुत अच्छे नाम दिए दूसरी आशीष साहब तीन बैच लगे थे उस दिन तो एक बाडल टाउन में दो बार बाडल टाउन में एक खाने में हुई थी खाने में एक दुआ की जरूरी होंगे तो दूसरी दुआ में खाने जो बाडल टाउन वाली थी उसमें कुछ सदात में बड़ी खूबसूरत नाते पड़ी जो भी तो नाम मुझे याद नहीं रहते लेकिन इसी तरीके से आपके नजदीक जो अच्छा लाख खान था लेकिन कोई ऐसा तो इखबार ना आने कि जिसके पैसे काट मिला तो उसको क्यों ना रहे उसके बाद तो उठा घर बैठा हो गया पैसे नहीं चले जो तब देख से सच की बात पैसे ऐसे भी देखे और रात को ना तो पढ़ते सुबह नमाज ही ऐसे ऐसे जानवर भी इस दुनिया में पाए जाते हैं मिलाद तो करते हैं नमाज और मिलाद की रात गुजरने के साथ भी बाद में भी और पहले भी सिगरेट के पूरे दो सेशन लगाते हैं एक सेशन पहले और एक सेशन बाद और एक सेशन दौरान छत पर ऐसे ऐसे बादशाह सलामत भी देखे एकदम का कहते हैं जिसे नींद नहीं आती रोग नहीं आती वो तो बिरला हो गया ना जी और ऊपर जनाब जाकर बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन सकूते वर्ग तारी ऐसे पारो तुम तो सो जाओ ठीक है तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये फॉलो करनी होती है व्यास भाई ने उनको छोड़ा दिया वरना मैं थोड़ी सी और करनी थी लेकिन अभी उन मास्क बात भी बताई